कोरोना मरीजों और उनके परिवारजनों का हाल जानने और उनके परिजनों की पीड़ा सुनने क्षेत्र क्रमांक एक के विधायक और महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इंदौर के समस्त सरकारी अस्पतालों का दौरा अभियान किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शुक्ला ने पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों के वार्ड में जाकर उनसे मुलाकात की और उनके परिजनों के साथ हो रही पीड़ा को जाना। विधायक शुक्ला ने डॉक्टर सुमित शुक्ला, टंटू शर्मा और साथी में सर्वेश तिवारी के साथ में पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया। विधायक शुक्ला ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्या मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से आ रही है और 850 रुपए का इंजेक्शन 4 से 5 हजार रुपए में मिल रहा है। बाजार में इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, उसके बाद भी मरीजों को बाजार में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि मरीज और उसके परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा जो 700 करोड़ रुपए कोरोना के नाम पर दिए हैं, वो पैसे कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी उपवास की बजाय हॉस्पिटलों का दौरा करें, जहाँ पर मास्क पहनने की जगह इंजेक्शन की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग के अमले को आदेशित करना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रतिदिन हॉस्पिटलों का दौरा करें और शहर के सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 महामारी के चलते सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी है, जहां पर मरीजों की पीड़ा दूर नहीं हो पा रही है और उनके परिजनों को अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी पीड़ा के मद्देनजर विधायक संजय शुक्ला ने शहर के सरकारी अस्पतालों का दौरा करने की शुरुआत की है। शुक्ला ने बताया कि देखने में आया है कि मरीजों को दवाई भी नहीं मिल रही है, जाँच के लिए उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं, जिनकी सुविधा के लिए कोई भी नहीं है। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बढ़ चढ़ कर दावे कर रही है और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में बेहाली का आलम है। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को भी दवा नहीं मिल पा रही है। कहा जा रहा है कि इस दवा का शॉर्टेज है, बाजार से खरीद लो, इससे निर्धन और गरीब वर्ग में मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अनेक सरकारी अस्पतालों में स्टाफ का रवैया ठीक नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। शुक्ला ने बताया कि यदि कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को सरकार की तरफ से उचित व्यवस्था नहीं मिलेगी तो जिस हॉस्पिटल में ज्यादा लापरवाही मिलेगी उस हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठा जाएगा। आपने दौरा करा, उस बारे में आपने अभी क्या व्यवस्थाएं देखी और आप उससे संतुष्ट हैं क्या? दौरा करा जो मरीजों में मिला, सीरियस से मिला, वेंटिलेटर वालों से मिला, ऑक्सीजन वालों से मिला, जिन लोगों को सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ लाया जाता वो रूम भी देखा। व्यवस्था तो वो अच्छी है, परंतु सरकार द्वारा जो 700 करोड़ रुपए गरीबों के लिए भी दवा के लिए मिलेंगे और दवा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और मार्केट से दवा लाना पड़ती है, इंजेक्शन लाना पड़ रहा है। जो मात्र 800-850 रुपये का इंजेक्शन है वो 2-2.5 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है। और गोकुल दास के सामने एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं अग्रवाल जी, वो लगातार 5-5 हज़ार रुपये इंजेक्शन बेच रहे हैं, उनको मिल रहे हैं परंतु आम गरीब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो इसकी मैं निंदा करता हूं और आदि मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप जो उपवास से बैठे हैं, उपवास पर ना बैठते हुए आप इन लोगों की दवा की व्यवस्था कराएं और मरीजों की व्यवस्था कराएं, क्योंकि जो मरीज मर रहे हैं यहाँ पे लगातार मरते जा रहे हैं, उसके अलावा जो लोग दवा से मर रहे हैं उसकी चिंता पालना पड़ेगी, क्योंकि जरा गरीब लोग दवा नहीं मिल रही है, जो अमीर लोग हैं उनको दवा मिल रही है और जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये इंजेक्शन मिल रहे हैं और वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं है। उन लोगों की व्यवस्था हो रही है जो जिसके पास पैसा है, आम गरीब आदमी की आज व्यवस्था नहीं हो रही है, वही मर रहा है, आम आदमी बड़ा आदमी नहीं मर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी व्यवस्था होना चाहिए, आप धरने पर ना बैठें, क्यों हमारे आप मुखिया हैं, मुखिया ऐसे धरने पर बैठेंगे तो हमारा देश कैसे प्रदेश कैसे चलेगा। हम लोग चाहते हैं विपक्ष का काम है बताना, परंतु आप ही धरने में बैठ जाएंगे, आप हमारा धरने में बैठ के काम करना और आपको सुझाव देना, परंतु आप पब्लिक के सुझाव मांग रहे हो तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ सबसे पहले दवाओं की व्यवस्था कराएं, इंदौर में जो महामारी हो रही है उसको रोकें, उसके अलावा जितने सरकारी अस्पताल हैं उसमें इंजेक्शन देने की व्यवस्था करें, जितनी कंपनी वाले बाहर कालाबाजारी कर रहे हैं वो रोकी जाए, क्योंकि लोग दवा से ही मर रहे हैं, पैसे से ही मर रहे हैं और इलाज से ही मर रहे हैं, तीनों साइड से मर रहे हैं, हजारों संख्या में लोग मरने लग जाएंगे, उसके बाद व्यवस्था करेंगे। इसके लिए मैं निंदा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपने इसकी व्यवस्था कराए, आप हमारे मुखिया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।